प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के 1 अरब से अधिक लोग अपने इस अद्भुत ग्रह के पर्यावरण की रक्षा हेतु संकल्प लेते हैं। आओ अपनी धरती के पर्यावरण की रक्षा हेतु उन 10 छोटे छोटे कदमों के बारे में जानें, जिन्हें उठाकर हम पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकते हैं। पैकिंग वाली वस्तुएं कम खरीदें। विकसित देशों में गैर औद्योगिक कचरे का 1/3 भाग पैकिंग कचरे का होता है। इसका नकारात्मक प्रभाव जलवायु और पर्यावरण पर पड़ता है, इसलिए पैकिंग वाली वस्तुएं कम से कम खरीदें। बोतल बंद पानी नहीं खरीदें। बोतल बंद पानी को तैयार करने में काफी ऊर्जा खर्च होती है। साथ ही प्लास्टिक की बोतलें पृथ्वी, पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत घातक होती हैं। इसलिए बोतल बंद पानी के स्थान पर साफ पानी का इस्तेमाल करें। मौसमी फल सब्जियां खरीदें। मौसमी फल और सब्जियों को अपने भोजन में शामिल करें। गैर मौसमी फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता होती है। इनसे उत्सर्जित गैसों का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। घर पर बने भोजन को प्राथमिकता दें। होटल, रेस्टोरेंट आदि में खाना खाने के बाद बचा हुआ भोजन बेकार हो जाता है, इसलिए घर पर बने भोजन को प्राथमिकता दें। इससे ईंधन की बचत की जा सकेगी। शाकाहारी भोजन करें। जितना संभव हो शाकाहारी भोजन का अधिक और मांसाहारी भोजन का उपयोग कम करें। मांस के उत्पादन में और उसे पकाने में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जलवायु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। खाली पड़ी जमीन पर पेड़ लगाएं। दुनिया की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में यह आवश्यक है कि हम खाली पड़ी जमीन पर ऐसे पेड़ लगाएं जिनसे खाने पीने की चीजें मिलती हैं। इससे खाने की बढ़ रही मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। पेड़ पौधे हरियाली तो देते ही हैं, पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी सहयोग करते हैं। सदाबहार पेड़ लगाएं। सदाबहार पेड़ अन्य पेड़ों की अपेक्षा जमीन में पानी की मात्रा को बनाए रखते हैं। इनकी जड़ें पोषक तत्वों और पानी को बनाए रखती हैं। ऐसे पेड़ पर्यावरण के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक सदाबहार पेड़ लगाएं। जैविक खेती करें। रसायनों से पृथ्वी को बहुत नुकसान होता है और आजकल रसायनों का इस्तेमाल खेती में अधिक हो रहा है। ऐसे में जैविक खेती को बढ़ावा देकर पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाएं। जैविक खेती से तैयार फसल स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। फसल चक्र का इस्तेमाल करें। भूमि की उर्वरता बनाए रखने में फसल चक्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। इससे भूमि में पोषक तत्वों को संतुलित किया जा सकता है, जिससे रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम किया जा सकता है। कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर खेती के लिए उचित फसल चक्र अपनाएं। उचित भंडारण करें। एक अनुमान के अनुसार भारत में सही भंडारण नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष 2 करोड़ टन गेहूं बर्बाद होता है। इसी प्रकार लगभग 40% फल और सब्जियां भी खराब या बर्बाद हो जाती हैं। इसे रोकने के लिए दुनिया के हर देश को भंडार गृहों की संख्या में बढ़ोतरी करनी होगी, साथ ही उचित भंडारण के लिए आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। स्रोत: द फूड थिंक टैंक, शिकागो के सौजन्य से।